जोश जो कि आजकल के यूथ में जोश है, और वो जोश अगर मिसगाइडेड हो तो वो जोश काफ़ी हानि भी कर सकता है, और अगर वो जोश सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी कर सकता है। एक थीम तो फिल्म का ये है। मेरा रोल एक ऐसी लड़की का है जो कि बहुत स्नूटी है, उसकी नाक हमेशा चढ़ी ही रहती है और जितना भी कोई उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है उसका हमेशा उल्टा ही असर होता है। शी इज़ अ पर्सन जो कि ऐसा नहीं सोचती है कि थोड़ा सा फन एंड फ्रॉलिक हो जाए कभी कभी। शी बिलीव्स कि हर किसी की अपनी अपनी जगह है, और जो टीचर है वो टीचर से उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जो हम उम्र का है उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए। और जो मेरे साथ शाहरुख हैं वो हमेशा इस डिमार्केशन लाइन को हमेशा ही क्रॉस किए रहते हैं, तो हमेशा बीच में आके वो जो स्पार्क्स होते हैं वो फ्लाई इसीलिए करते हैं थ्रू आउट द फिल्म, बिकॉज जितना वो रफियन एटीट्यूड एंड राउडी बिहेवियर करते हैं उतना मैं उनको और नीचा देखती हूँ और वो और इम्प्रेस करते हैं। सो यू नो इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग इन द फिल्म, दैट्स द कैरेक्टर आई प्ले। मेरे जो कैरेक्टर फिल्म में हैं एक आदर्श लड़की का कैरेक्टर है, और बहुत ह्यूमन है, उसमें ग्रे शेड्स भी हैं, क्योंकि जोश फिल्म के हर कैरेक्टर में ग्रे शेड्स हैं। सब बहुत ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं। एक ईगल गैंग है, एक बिच्छू गैंग है, एंड आई वांट अ सॉन्ग, एन एटीट्यूड सॉन्ग, एंड वाज लुकिंग एट मंसूर, एंड मंसूर आई गॉट इट। 1 million कैसेट सोल्ड, वीनस रिकॉर्ड्स टेप लिमिटेड, फर्स्ट टाइम 1 million इन ए डे, इट्स अ इनिशियल, इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड फैंटास्टिक।